हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी। देखो, आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। हर कोई चाहता है कि काम को कैसे जल्दी से जल्दी किया जाए, और यही बात इंग्लिश पे भी लागू होती है। तो आज मैं लेकर आई हूँ इंग्लिश के कुछ ऐसे ही इनफॉर्मल वर्ड्स। इनफॉर्मल यानी कि वो वर्ड्स जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच, रिश्तेदार हो या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ जहाँ पर आपको फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इन वर्ड्स को आप अपने बॉस के साथ ऑफिस के किसी डॉक्यूमेंट में यूज़ नहीं करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वन इज कोज। कोज को आप यूज़ कर सकते हैं कज़न की जगह। कज़न का मतलब होता है चाचा, बुआ, मामा का बेटा या बेटी। दूसरा, आप इसे बिकॉज की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। अगला वर्ड है डॉक्सी। इसे आप लवर और मिस्ट्रेस की जगह यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ए। ए इसे आप यूज़ कर सकते हैं बिफोर प्रेपोजिशन की जगह। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स गो ए आई चेंज माय माइंड। और आप ये भी कह सकते हैं लेट्स गो बिफोर आई चेंज माय माइंड। द फोर्थ वन इज फिश वाइफ। अ वूमेन हु सेल्स फिश। द फिफ्थ वन इज मेज। अ मैजिशियन और लर्न पर्सन के लिए आप मेज यूज़ कर सकते हैं। लर्न पर्सन होता है यानी कि अनुभवी, सीखा हुआ। द नेक्स्ट वन इज ई या फिर ये। इसे आप यूज़ करेंगे यू की जगह व्हेन यू आर टॉकिंग टू मोर देन वन पर्सन। द नेक्स्ट वन इज वेल। आप इसे यूज़ कर सकते हैं अ फेयरवेल और अ सेंड ऑफ की जगह। एट्थ नंबर पर है डंस। इसे आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको कहना हो फूल। द नेक्स्ट वन इज योंडर। योंडर, योंडर को आप यूज़ कर सकते हैं ओवर देयर की जगह। नेक्स्ट ने, नो। अगला जो वर्ड है इसे आप बहुत बार यूज़ करते हैं, ये, यस। वॉच वर्ड, अ मिलिट्री पासवर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज वेंच। यू कैन यूज दिस वर्ड फॉर अ गर्ल और अ यंग वूमेन। लास्ट वर्ड है आज का स्नैच। क्विकली टेक समथिंग इन अ रूड और ईगर वे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, हिट कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।